इके पावर अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना, बस फर्स्ट प्रिंसिपल ये तो हो गया। तो एफ एक्स प्लस एच ई टू द पावर अंडर रूट एक्स प्लस एच, तो अभी एफ डैश एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाला बेटा देखो पीछे में ज्वाइन कर रहा हूं, तो अंडर रूट ई टू द पावर अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस ई टू द पावर अंडर रूट एक्स, और यहां पे दैट इज एच। ओके, ये वाला पार्ट है। तो इससे कभी देखोगे बेटा ई टू द पावर एक्स कॉमन लोगे तो यहां पे क्या होगा, सेम चीज आ जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर अंडर रूट एक्स कॉमन लिया, ये क्या बचेगा, ई टू द पावर अंडर रूट एक्स प्लस एच अपॉन ई टू द पावर अंडर रूट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एच। ये स्टेप क्लियर हो बेटा, दिस स्टेप इज क्लियर। ओके, ई टू द पावर अंडर रूट एक्स कॉमन लिया, नेक्स्ट स्टेप देखो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर अंडर रूट एक्स, ये वाला पार्ट जो होगा ई टू द पावर अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एच। ओके बेटा, ये कितना है, एच है, और ये किसमें है, माइनस में है। तो देखो एक्स टेंस टू जीरो है तो अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स, ये भी क्या होगा, टेंस टू जीरो होगा। यहां पे जीरो पुट कर देंगे, अंडर रूट एक्स माइनस ये भी टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो हमने अभी अंडर रूट एक्स प्लस एच ये भी टेंस टू जीरो है, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर अंडर रूट एक्स ई टू द पावर अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन और एच, ये वाला भी इंटू कर देते हैं एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स। ओके, तो इस जगह पे भी क्या लिखना पड़ेगा, एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स। इज इट क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर है बेटा, ऊपर नीचे इससे डिवाइड कर दिया। ओके अच्छा, अभी देखो इतना जो पोर्शंस था इसमें से इस पर्टिकुलर वैल्यूज को इसको यहां पे लिख दिया इसका नीचे, तो ये जो e टू द पावर एक्स जैसे e टू द पावर वाई माइनस वन अपॉन वाई ये कितना होता है, वन के बराबर होता है, ये क्या होता है, वन के बराबर होता है। अंडरस्टूड, इज इट क्लियर बेटा। इज इट क्लियर, ई टू द पावर वाई अपॉन लिमिट वाई टेंस टू जीरो, तो ये तो टेंस टू जीरो है तो इसके वैल्यूज भी क्या होगा, वन के बराबर होगा। इज इट क्लियर, इस वाला पार्ट को
जैसे हमारा एच टेंस टू जीरो था अंडर रूट एक्स प्लस एच अंडर रूट एक्स ये भी टेंस टू जीरो होगा तो y टेंस टू हमने जीरो बोल दिया ये वाला तो वन होता है. इज इट क्लियर? ओके तो अभी जो है ना ये वाला पार्ट जो है यहां से वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट वन के बराबर हो जाएगा. तो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ई टू द पावर अंडर रूट एक्स ये वाला कितना वन हुआ. इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं. इसमें क्या क्या बचा एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन एच. अभी इसी को रैशनलाइज कर दे तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर अंडर रूट एक्स एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स नीचे एच अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स. देख बेटा इसका स्क्वायर होगा तो ये वाला तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा लिमिट ये वाला तो ई टू द पावर एक्स है इनटू ये वाला ये वाला तो काट देंगे बिकॉज स्क्वायर होगा तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स दैट एच और यहां पे कितना आएगा ये जीरो पुट कर देंगे अंडर रूट एक्स टू अंडर रूट एक्स. इज इट क्लियर? सुजय ओके और मतलब डायरेक्ट काटते तो देखो डायरेक्ट में कैसे होते यहां पे सॉल्व करते डायरेक्ट डायरेक्ट हुआ तो e टू द पावर x तो इसका डिफरेंशिएट करते तो क्या होगा e टू द पावर अंडर रूट x d बाय dx अंडर रूट x का कितना होते e टू द पावर अंडर रूट x ये जो तुम्हारा अंडर रूट x मतलब कितना होता है d बाय dx x टू द पावर हाफ. ओके तो e टू द पावर x इनटू ये क्या होगा हाफ x टू द पावर हाफ माइनस वन तो e टू द पावर अंडर रूट x ये वाला क्या हो जाता है टू अंडर रूट x डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं. इज इट क्लियर बेटा? ओके